ओके गाइस, मैं श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के आर्ट पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम एक ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार लेसन को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से एक ऐसे लेसन को पढ़ेंगे जिस लेसन से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए आपको इस लेसन को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ ये कंपटीशन में अधिक पूछा जाता है, बल्कि आपके लिए मैं ये भी कहूँगा कि सामान्य जीवन में भी आपको इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में सामान्य तरीके का परिचय कि भारत क्या है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। तो आज मैं जिस लेसन की बात कर रहा हूँ, लेसन है भारत का सामान्य परिचय, अर्थात भारत का क्षेत्रफल, स्थिति एवं सीमा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रफल, स्थिति और सीमा के बारे में। बहुत अच्छा लेसन है। और मैं ये भी आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, और इसलिए ज़रूर देखेंगे क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि मैं जो भी इसमें आंकड़ा दूंगा वो बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा होगा, लेटेस्ट डाटा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि आपको जो भी सूचनाएँ दी जाएँ उस सूचनाओं के आधार पर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठें तो आपको एक बेहतर फीलिंग आ सके। क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को नवीनतम डाटा के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत में पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, नया क्या है ये जानना जरूरी है। और इसलिए मैं कहूँगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत की स्थिति में नया बदलाव क्या हुआ है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के क्षेत्रफल, स्थिति एवं सीमा से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इतना किलोमीटर जो ज़मीन है वह भारत के लिए कम नहीं है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या हम इसको किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, भारत के पास इतना ज़मीन है। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जो इतना ज़मीन भारत के पास है वो विश्व की कुल ज़मीन का कितना प्रतिशत है। विश्व में जितने भी देश हैं और जितने देशों के पास जो ज़मीन है, उन संपूर्ण देशों में भारत के पास कुल कितना ज़मीन है, तो भारत के पास विश्व की कुल भूमि का 2.42% ज़मीन है, या विश्व की कुल ज़मीन का 2.42% है। तो इतने परसेंटेज के साथ भारत के पास कुल कितना ज़मीन है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया भारत का संपूर्ण एरिया। अब आइए थोड़ा सा हम ये देखें, अगर इतने क्षेत्रफल के साथ हम भारत के रैंक को देखें कि विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में भारत कितना बड़ा देश है, तो आपको मैं बता दूं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया। और अगर हम अब इस डाटा से आगे बढ़ें तो मुझे मालूम चलेगा कि यदि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है तो इसका मतलब एक और निकलता है कि भारत से 6 बड़े देश होंगे और भारत से तो छोटे बहुत सारे देश होंगे। तो हम सारे देशों की तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन भारत से जितने बड़े देश हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और भारत से कुछ छोटे देशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी हम विश्व के टॉप 10 कंट्री को यहाँ पर जानेंगे कि विश्व में क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश कौन से हैं। और सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या के मामले में भी विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जो भी हम आपके पास यहाँ पर डाटा उपलब्ध कराने वाले हैं वो डाटा बिल्कुल नवीनतम है। आइए सबसे पहले एक साइड में हम लिखते हैं क्षेत्रफल के बारे में और दूसरी तरफ जानकारी हासिल करेंगे हम जनसंख्या के बारे में।
अगर क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस एक ऐसा देश है जिस देश को हम यूरेशिया भी कहते हैं, और यूरेशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देश एशिया महादेश में भी फैला हुआ है और यूरोप महादेश में भी फैला हुआ है। एकमात्र ऐसा देश है जो दो महादेशों में फैला हुआ है। सिर्फ यही जानकारी नहीं है बल्कि जानकारी ये भी है कि विश्व का यह एकमात्र ऐसा देश है कि यहाँ पर एक तरफ इस देश में सूर्योदय होता है तो एक तरफ इसी देश में सूर्यास्त होता है। इसका मतलब बहुत बड़ा, और आइए देखते हैं कितना बड़ा है। इसका जो है क्षेत्रफल है 1,70,00,000, ये लगभग जो है इतना किलोमीटर स्क्वायर, तो 1,70,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा बड़ा देश। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके 1 करोड़ को छोड़ दें, केवल 70,00,000 की बात करें, तब भी आपका देश इंडिया इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि भारत 32,00,000 ही है। अगर लगभग लगभग मान ले तो 33,00,000 के आसपास पहुँचाएगा। यहाँ पर देखिए 70,00,000 बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना जो है बड़ा देश है रूस। रूस के बाद अगर हम बात करें तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका महादेश का एक ऐसा देश कनाडा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इसका क्षेत्रफल है 99,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, और यह भी आंकड़ा है लगभग में, यानी इससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है या इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। तो संसार का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। अब कनाडा की बात यदि बात करें तो तीसरे नंबर को लेकर विश्व के देशों में दो देशों का नाम अक्सर जो हमको किताबों में मिलता है, एक कहीं कहीं किताबों में हम यूएसए का नाम सुनते हैं और किसी किसी किताब में हम चीन का नाम देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपके डाउट को दूर कर दे रहे हैं। विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा देश है वह यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसका क्षेत्रफल है 98,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी लगभग में मैं मान लिखा हूँ। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा देश है, और यूएसए के बाद चौथे नंबर पर आएगा चीन, क्योंकि चीन का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो चीन का क्षेत्रफल है 96,77,000, यानी नियर अबाउट हम मान कर चले कि यह जो है 97,00,000 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर हैं। तो इस तरह से चीन जो है यह चौथा सबसे बड़ा देश, और अगर हम इन तीनों देशों का कंपेयर करें तो काफ़ी नज़दीक नज़दीक का मामला है, 99,98,000 और ये लगभग 97,00,000। लेकिन ज़रा दुनिया के सबसे बड़े देश रूस को देखिए, रूस से तो इन तीनों देशों का कोई मुकाबला ही नहीं है, काफ़ी दूर ये लोग हैं, नियर अबाउट तो है ही नहीं, ये लोग काफ़ी दूर हैं। 1,70,00,000 यहाँ पे 99,00,000, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रूस के मुकाबले इन देशों की। पांचवें देश की बात करें तो पांचवें नंबर पर देश है कौन सा, ब्राज़ील। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद आपका अपना देश है सातवें नंबर पर कौन, भारत, जिसका मैंने क्षेत्रफल लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश। अब देखिए यहाँ पर आठवें नंबर पर भारत के तुरंत बाद अगर बात करें तो तुरंत बाद कौन सा देश है, अर्जेंटीना, और फिर नौवें नंबर पर कौन सा देश है, तो नौवें नंबर पर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप नाम सुने होंगे कजाकिस्तान का, ये वो देश जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ से ये देश अलग हुआ और अलग होकर आज विश्व का नौवां सबसे बड़ा देश बना हुआ है। और दसवें नंबर पर जो देश है वह देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया विश्व का दसवां सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। तो ये जो मैंने रिकॉर्ड लिखा, ये रिकॉर्ड मैंने केवल बताया है क्षेत्रफल के मामले में, यानी किस देश में कितना ज़मीन है, टॉप 10 कंट्रियों के मैंने स्थिति को यहाँ पर दिखाया। अब थोड़ा सा जान लें कि विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा देश है। अगर विश्व के सबसे छोटे देश की बात की जाए, विश्व का सबसे छोटा देश, तो याद रखेंगे विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, और इस वेटिकन सिटी को अगर कहा जाए कि क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है होली सी। होली सी, इसको होली सी के भी नाम से जानते हैं, और इसका क्षेत्रफल है मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटा देश।
अगर वेटिकन सिटी की स्थिति को पूछा जाए कि ये देश कहाँ पर है, तो ये यूरोप महादेश में पड़ता है। एक देश का नाम सुने होंगे आप, इटली। इटली की राजधानी रोम है, और इस रोम के बड़े शहर में एक छोटा सा कस्बा है आपको वेटिकन सिटी, बहुत छोटा सा कस्बा, लेकिन ये एक अपने आप में स्वतंत्र देश है। 1929 से ही ये स्वतंत्र देश के तौर पर काम कर रहा है वेटिकन सिटी, जो संसार का सबसे छोटा देश है। तो ये रहा क्षेत्रफल के हिसाब से आपके पास रिकॉर्ड। अब आइए देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से रिकॉर्ड। अगर जनसंख्या के हिसाब से रिकॉर्ड देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है चीन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है चीन जनसंख्या के मामले में। और चीन की यदि हम आबादी की बात कर दें तो चीन की आबादी हम ये जो रिकॉर्ड लेंगे वो 2020 ईस्वी तक का लेंगे। इस रिकॉर्ड के हिसाब से चीन की जो आबादी है वह है 1 अरब 43 करोड़। ये लगभग में मान है, यानी इससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। और चीन के अगर नियर अबाउट किसी देश को देखेंगे तो चीन के साथ जबरदस्त मुकाबला एक ही देश का चल रहा है, और वो देश है भारत। किस मामले को लेकर मुकाबला है? जनसंख्या बढ़ाने को लेकर। यदि भारत की बात की जाए तो भारत 1 अरब में ये भी प्रवेश कर गया है, और ये 43 करोड़ पहुंचे हैं, तो भारत 38 करोड़ के आसपास है। ये भी इसका आंकड़ा लगभग में है। तो इस तरह से आपको एक अनुमान लग गया होगा कि भारत का जो आबादी है वो 1 अरब 38 करोड़ है, और ये चीन से काफ़ी नज़दीक है। यदि हम दोनों ही देशों के बीच अंतर को देखें तो अंतर सबसे बड़ा यही है कि चीन की आबादी जो है इस समय काफ़ी रुका हुआ है। चीन ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है, लेकिन भारत की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर कंट्रोल वाली कोई बात ही नहीं है। यही कारण है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इस यूएनओ के द्वारा इस बात को बताया गया था कि भारत जिस रफ्तार से अपनी आबादी को बढ़ा रहा है यह बहुत जल्द ही चीन को पीछे कर देगा। और ये आंकड़ा दिया गया कि भारत 2028 में चीन को पीछे कर देगा। और मुझे लगता है कि यह बात जब भारतीयों ने सुना तो उन्हें लगा कि शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इतना दिन तक तो भारतीय वेट ही नहीं करेंगे कि हम नंबर वन पे जाने के लिए चीन को हम पीछे ना छोड़ें। इसीलिए भारतीयों के सामने देखिए क्या बात आ गई, जैसे ही ये रिकॉर्ड मालूम चला भारतीयों को कि 2028 में हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं, तो भारतीयों ने थोड़ा सा और ज़्यादा प्रयास किया है। और प्रयास क्या किया है कि अब भारत 2024 में ही चीन को पीछे छोड़ देगा। तो ये हमारा देश 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन रहा है। वर्ल्ड में हम नंबर वन की कुर्सी पर आने वाले हैं। लेकिन क्या ये भारत के लिए सही स्थिति होगी? बिल्कुल सही स्थिति नहीं होगी। इसलिए सही स्थिति नहीं होगी कि जहाँ पूरी दुनिया में भले ही परमाणु विस्फोट का मामला चल रहा हो, लेकिन भारत उस कगार पर खड़ा है जहाँ जनसंख्या विस्फोट बहुत जल्द होने वाला है, और ये भारत के लिए बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे लिए हर्ष की बात नहीं होगी कि हम 2024 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश कहलाएंगे, और इसलिए हर्ष की बात नहीं होगी क्योंकि आप खुद रिकॉर्ड देखिए, चीन का देखिए क्षेत्रफल विश्व में चौथे नंबर पर, आबादी में पहले नंबर पर। लेकिन फिर भी यदि आप इसके रिकॉर्ड को लेकर चलते हैं तो ये देखिए ग्राफ किस तरह से ऊपर चढ़ा हुआ है, जनसंख्या ऊपर है जमीन के मुकाबले, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत का देखिए, भारत यहाँ पर है, और यहाँ से सीधे अगर हम लेकर चलते हैं देखिए कितना ऊँचा सीधे ग्राफ बन रहा है भारत के साथ, 7वां जमीन में, आबादी में दूसरा। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली भारत की बात है। भारत जिस रफ्तार से आबादी को बढ़ा रहा है यह वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है, भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं भारत में हो रही हैं उन सारी समस्याओं की जड़ में बढ़ती हुई आबादी है। अब आइए देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े देश की बात करें जनसंख्या के मामले में, तो इन दोनों देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम, और जिस मैं देश की बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पर, वह देश है यूएसए। यूएसए जो क्षेत्रफल के मामले में भी तीसरे नंबर पर था, और अब देखिए यहाँ पर ये यूएसए जनसंख्या के रिकॉर्ड में भी तीसरे नंबर पर है। और यूएसए की अगर आबादी की बात की जाए तो यूएसए की आबादी है 33 करोड़। कितना बड़ा डिफरेंस है। विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में बात की जाए तो चीन और भारत के बाद देखिए यूएसए का।
जहां इन लोगों के एक एक अरब को छोड़ दे केवल इधर वाले को भी सोचे 43 या 38, तो ये दोनों में से किसी में यूएसए नहीं ठहरता है। बहुत कम आबादी और इतनी आबादी के साथ वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश। यूएसए के बाद चौथे नंबर पर जो देश हैं वो चौथे नंबर पर देश हैं इंडोनेशिया। संसार में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, वर्ल्ड में इसका चौथा स्थान है आबादी के मामले में। और इंडोनेशिया की आबादी की बात की जाएगी तो इस समय 27 करोड़ के आसपास इसकी आबादी पहुंची हुई है। फिर देखिए इंडोनेशिया के बाद बात की जाएगी तो पांचवें नंबर पर हमारे ही क्षेत्र से निकला हुआ हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। भले ही इस रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो कहीं भी इनका नाम नहीं है टॉप 10 कंट्री में क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन आबादी में देखिए पांचवें नंबर पर। और पाकिस्तान की आबादी की अगर बात कर दी जाए तो पाकिस्तान की आबादी इस समय 22 करोड़ से ज़्यादा है, 22 करोड़ से ज़्यादा है, यानी ये मान भी इसका लगभग में हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान विश्व का पाँचवा सबसे अधिक आबादी वाला देश। छठे नंबर पर जो देश है वह देश है ब्राज़ील। छठे नंबर पर है ब्राज़ील आबादी के मामले में। अगर सातवें नंबर पर बात की जाएगी तो सातवें नंबर पर जो देश हैं वह है आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया ये आबादी के मामले में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। आठवें नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद अगर देखा जाए तो नौवें नंबर पर चल रहा है रूस। ये देखिए रूस का रिकॉर्ड। बांग्लादेश और रूस की स्थिति को देखा जाए, बांग्लादेश की आबादी अगर देखा जाए तो ये आपको 16 करोड़ के आसपास, और रूस की आबादी अगर देखिएगा तो ये 14 करोड़ के आसपास, 14 करोड़। अब अनुमान लगा लीजिए आप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रसिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, एक ऐसा देश जहां एक तरफ सूर्योदय हो रहा है तो एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है, इतना बड़ा देश है, 1,70,00,000 किलोमीटर² क्षेत्रफल और आबादी देखिए मात्र 14 करोड़। यानी रूस एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, जमीन ही जमीन है उसके पास। और भारत एक ऐसा देश है जहां जमीन के लाले पड़ गए हैं। अगर इंडिया में इसी रफ्तार से आबादी बढ़ते रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको सोने के लिए जमीन नहीं मिलेगा, हमको केवल खड़ा रहना पड़ेगा, और ये समय आ सकता है यदि हम समय पर सचेत नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूस नवें नंबर पर। दसवें नंबर पर जो देश है वह देश है मैक्सिको। संसार में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको, ये दसवें नंबर पर है। ये जनसंख्या के टॉप 10 कंट्रीज हैं। अब देखा जाए सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला देश फिर से एक बार वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जिसको हम होली सी भी कहते हैं, होली सी भी कहते हैं। और इस होली सी की आबादी की बात की जाए तो मात्र 801 लोग इस देश में रहते हैं, मात्र 801 लोग। तो बहुत छोटा देश है, छोटा देश होने के चलते जितना आबादी है उतना उसके लिए पर्याप्त है। तो ये जनसंख्या जो है आपको दिख रहा है कि भारत बहुत ज़्यादा इससे परेशान है, क्योंकि भारत में जो सोच है वो कुछ और टाइप की सोच है। भारतीयों की सोच यहाँ पर क्या होती है कि जितने अधिक बच्चे रहेंगे उतना अधिक कमा कर लाएंगे तो उतना ही अधिक पैसा हमारे पास इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग नहीं सोचते हैं कि ज़्यादा आबादी होने से उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी भी तो होगी। बच्चों को हम संस्कार सही से नहीं दे पाएंगे, शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाएंगे, उसको बेहतर जगह स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए चुनौती है। तो जनसंख्या जिस रफ्तार में बढ़ा है अब जाकर थोड़ा सा भारत के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए सही नहीं है। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग यानी कि जो वृद्धि दर है भारत में वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के 2-3 राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या बढ़ाने का ठेका लेकर चल रहे हैं। ऐसे राज्यों को अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक डाटा दे रहा हूं जनसंख्या को लेकर, थोड़ा सा उसको देख लीजिए डाटा क्या है, किस टाइप से वर्ल्ड की जनसंख्या जो है 3 दुनी रात 4 गुनी वृद्धि किया है। और इसमें 2 देश ऐसे हैं जिसका खासा योगदान है, चीन और भारत। देखा जाए मानव की उत्पत्ति यानी मानव के उद्भव से लेकर बात की जाए, मानव के उद्भव जिस समय इस धरती पर मानव का आगमन हुआ उस समय से लेकर के समय से लेकर 1830 तक
1830 ईस्वी जब आया तो विश्व की जनसंख्या ये रहा 1 अरब। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 लाख वर्ष समय निकला, मानव की उत्पत्ति से लेकर 1830 ईस्वी तक के समय को लीजिएगा तो 2 लाख वर्षों में विश्व की आबादी हुआ है 1 अरब, 2 लाख वर्ष में। लेकिन अगला 1 अरब मात्र 100 वर्ष में हो गया, 2 लाख वर्ष का वेट करना नहीं, अब 100 वर्ष यानी 1930 आते आते पूरे विश्व की आबादी हो गया 2 अरब, 2 अरब। और अब देखिए रेशियो कैसे बढ़ रहा है, 1930 तो अगला 1 अरब बढ़ने के लिए 100 वर्ष, लेकिन अब फिर अगला 1 अरब बढ़ने के लिए अब तो और भी कम, मात्र जो है 30 वर्ष, यानी 1930 में 2 अरब और 1960 में हो गया 3 अरब, विश्व की आबादी 1960 में 3 अरब। तो 30 वर्षों में ही अभी 1 अरब हो गया। फिर देखिए आगे 1975 आया तो वर्ल्ड की आबादी हो गया 4 अरब, यानी अब अगला 1 अरब बढ़ने के लिए मात्र 15 वर्ष, मात्र 15 वर्ष में 1 अरब। और 1987 जब आया, 1987 में विश्व की आबादी हो गई 5 अरब, यानी 12 वर्षों में ही अब 1 अरब और बढ़ गया। ये चिंता की बात, ये पूरे विश्व के लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी। और जिस समय दुनिया की आबादी 1987 में 5 अरब हुआ, विश्व के लोग यहाँ पर अब सचेत हुए, उनके माथे पर एक चिंता की लकीर आ गई कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रहा है उससे तो जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। और इसीलिए जब 1987 को विश्व की आबादी 5 अरब हुई थी तो वह तिथि था 11 जुलाई, और इस तिथि को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, इसी दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी 11 जुलाई 1987 में पहला जनसंख्या दिवस मनाया गया था जब जनसंख्या कितनी हुई थी 5 अरब। तो सवाल उठता है कि विश्व जनसंख्या दिवस खुशी में मनाया गया कि आज 5 अरब लोग हो गए? जी नहीं, यह विश्व के लोगों को एक संदेश देने का कार्य किया कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है वो चिंता का विषय है, इस आबादी की रफ्तार पर ब्रेक लगाना जरूरी है। और ब्रेक लगा, किस तरह से लगा, तो देखिए ये 12 वर्ष में 1 अरब और फिर अब अगले 12 वर्ष में 1 अरब, यानी कि यहाँ पर अब जनसंख्या बढ़ा नहीं, कांस्टेंट हो गया, 6 अरब पहुँच गया। यहाँ पर देखिए 1975 से 12 वर्ष में, यानी जितना है देखिए समय इसमें घट रहा है, लेकिन यहाँ 12 वर्ष और यहाँ भी 12 वर्ष ही मात्र लगा। तो 1999 में 6 अरब और 2013 में हो गया ये 7 अरब, 2013 में 7 अरब। और अभी के हालात को देखिएगा तो पूरे विश्व की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है, पूरे विश्व की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा आपके सामने मैंने रिकॉर्ड रखा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जाता है, 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को ही विश्व की आबादी कुल कितना हुई थी, 5 अरब। तो ये जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ा है, और इस जनसंख्या को बढ़ाने वाले दुनिया के 2 ही तो ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को प्रभावित कर दिया, और वो देश कौन है, चीन और भारत। लेकिन आने वाले समय में तो चीन जो है अब हमसे पीछा होगा, सबसे आगे निकल रहा है कौन, भारत। तो इस पर रोक लगानी बहुत बहुत जरूरी है। अब आइए थोड़ा देखें इससे आगे, अब हम चर्चा करेंगे स्थिति के बारे में। ये तो क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हो गई कि भारत का क्षेत्रफल कैसा है, लेकिन अब भारत की क्षेत्रफल के साथ अब स्थिति की चर्चा करें। और स्थिति में हमें इस बात की जानकारी हासिल करनी है कि भारत को अगर ग्लोब पर देखा जाए, विश्व के मानचित्र पर देखा जाए, तो भारत कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर के बीच है, या भारत किस गोलार्ध में स्थित देश है। तो चलिए हम स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति को जानने से पहले थोड़ा सा हम आपके सामने एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब आप इसको मानचित्र पर देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद होगा। बच्चों के सामने हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर, इसको कैसे याद करें, बहुत क्लिष्ट आंकड़ा है। लेकिन आज के बाद ये डाटा आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बस आप देखते जाइए। ये हमने ड्रॉ किया पृथ्वी को, आप देखिए इसके बीच में एक रेखा हमने बनाया पृथ्वी के बीचों बीच में, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। तो विषुवत रेखा वो रेखा हो गई
जो संपूर्ण पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही है, संपूर्ण पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही है। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे हिस्सा होगा इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के जितने भी देश होंगे इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे देश या तो अब उत्तरी गोलार्ध में होंगे या फिर दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। यही दो कंडीशन बनेगा, या तो उत्तरी गोलार्ध में होंगे या फिर दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। अब आगे थोड़ा सा और भी समझिए, विषुवत रेखा की तरह बहुत सारी ऐसी रेखाएं होगी जो उत्तरी गोलार्ध में होगी, और बहुत सारी ऐसी रेखाएं होगी जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और जो रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर गुजरती हैं, विषुवत रेखा की तरह ही वो भी गुजरी हुई है, तो ऊपर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये सब जो रेखाएं गुजरी हैं इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। याद रखिएगा यह अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाओं को खींचते हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। हाँ, जानकारी के तौर पर मैं अब सभी छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अक्षांश और देशांतर रेखा की वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही शानदार ढंग से आपको इस बात को समझाया है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर होता है। तो सारी जानकारी वहाँ से मिलेगी, आप उस वीडियो को देखकर इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आइए हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं हैं उसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे, और अगर उत्तर में वो रेखाएं हैं तो उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, दक्षिण में रेखाएं हैं तो उसको हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। अब आगे थोड़ा सा और बातों को सुन लीजिए, जिस तरह से विषुवत रेखा ने पृथ्वी को दो टुकड़ों में काटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उसी प्रकार से कोई ऐसी भी तो रेखा होगी जो ऊपर से नीचे आएगी, यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाएगी। और ऐसी रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो कोई ना कोई ऐसी देशांतर होगी जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच में काटती होगी, और जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से देशांतर जो काटेगी उसको हम नाम अब क्या रख देंगे, तो उसके आगे एक नाम जोड़ देंगे, प्रधान देशांतर रेखा, जिसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मिस्ट टाइम, जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरा हुआ है। तो ये GMT जो है पृथ्वी को दो हिस्सों में काटा। अब देखा जाए, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, वैसे ही बहुत सारी देशांतर रेखाएं होगी जो आपको दोनों ध्रुवों को मिलाती होगी, इस प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं होगी। अब जरा मुझे बताइए कि जो इस प्रधान देशांतर रेखा के दाएं होगी उसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, उसको हम क्या नाम देंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। और जो इस प्रधान देशांतर रेखा के बाएं होगी उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको देंगे पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब जरा से इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि दुनिया के जितने भी देश होंगे या तो उत्तरी गोलार्ध में होंगे, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर होंगे, या फिर वो देश दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, इसका मतलब है कि विषुवत रेखा से नीचे होंगे। लेकिन देशांतर के हिसाब से कहिएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी देश होंगे इस रेखा के या तो इधर होंगे और इधर होंगे तो वो पूर्वी देशांतर में, और इधर होंगे तो वो पश्चिमी देशांतर में देश होंगे। इस तरह से चार कंडीशन बन सकता है, और चार कंडीशन ये क्या बन रहा है देख लीजिए। मान लीजिए कोई देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 लगा दे रहे हैं, चार देशों का इनाम हो गया। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो इन दोनों देशों के बारे में कहेंगे कि दोनों देश उत्तरी गोलार्ध में हैं। ये 1 और 2 दोनों उत्तरी गोलार्ध में हैं, जबकि 3 और 4 दोनों दक्षिणी गोलार्ध में हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में डिफरेंस में अब क्या कहेंगे कि ये जो है
वन और टू उत्तरी गोलार्ध में तो हैं, लेकिन ये वन उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है, जबकि टू पश्चिमी देशांतर में है। उसी प्रकार से जो फोर है वह भी पूर्वी देशांतर में है, और जो थ्री है वह आपको पश्चिमी देशांतर में है। तो दुनिया के जितने भी देश होंगे इसी कैटेगरी में आएंगे, या तो उत्तरी गोलार्ध में होंगे या दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, या तो पूर्वी देशांतर में होंगे या फिर पश्चिमी देशांतर में होंगे। तो आइए हम भारत के बारे में जानें। भारत का सबसे पहले जानते हैं हम विस्तार, भारत का विस्तार। तो भारत के बारे में क्या कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है जी? उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत दक्षिणी गोलार्ध की तरफ नहीं है, और जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ नहीं है तो कोई भी दक्षिणी अक्षांश रेखा से भारत का कोई वास्ता नहीं रहेगा। अब अगर हम भारत को रियल में दिखाने का प्रयास करें तो देखिए भारत यहाँ पर है। ये चलिए हम भारत के नक्शे को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, रफ डायग्राम आपके सामने देते हैं ताकि चीज़ों को आप केवल समझ सकें। चलिए ये आपका इंडिया, ये इंडिया रहा। अब इस इंडिया की स्थिति क्या है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ से देखने से ही लग रहा है कि किस देशांतर में होगा? पूर्वी देशांतर में होगा। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। अब आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार दो तरह से सोचेंगे, एक सोचेंगे मुख्य भूमि से और दूसरा सोचेंगे द्वीपों सहित, द्वीपों सहित। तो हम यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही हमको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। ये जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो ये भी एक अक्षांश रेखा है, इसको हम एक मान लेते हैं, इसके ऊपर वाली को दो मान लेते हैं, फिर कोई रेखा गुजरा होगा तीन मानेंगे, चार मानेंगे, पाँच मानेंगे, ऐसे करते करते यहाँ जब 90 पहुँचेंगे तो ये नॉर्थ पोल पर पहुँच जाएंगे। यानी 90 अक्षांश रेखाएँ उत्तरी गोलार्ध में हैं और 90 ही अक्षांश रेखाएँ किधर होगी? ये दक्षिणी गोलार्ध में होगी। 90 अक्षांश रेखाएँ ही दक्षिणी गोलार्ध में होगी। इस तरह से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया 180 विषुवत रेखा को छोड़कर। और भारत की स्थिति को देखिएगा, तो भारत की स्थिति के साथ जरा देखिए, कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के नीचे से टच करके निकली होगी, और कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखाएं होगी जो भारत को ऊपर से टच करके निकली होगी, ऐसा होगा ना। तो यहां पर देखिए जो नीचे से टच करके निकली है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी अक्षांश रेखा, क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं होगी उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। दक्षिणी अक्षांश रेखा से हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां भी उत्तरी अक्षांश होगा और ऊपर वाले में भी उत्तरी अक्षांश ही होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब हम क्या कहेंगे फाइनली कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच है। यानी भारत इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में, अक्षांशीय हिसाब से, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक और बात पर ध्यान देंगे, यहाँ भारत के पूर्वी साइड में जहाँ बंगाल की खाड़ी है, इसमें भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति को देखिएगा तो ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। यानी कि ये भारत के मेन जमीन से, मुख्य भूमि से थोड़ा ये नीचे हैं। तो जब ये नीचे हैं तो अगर द्वीपों को ले लेंगे तब तो ये द्वीप वाला क्षेत्र पहले ही अक्षांश रेखाओं से सटेगा, क्योंकि ये 8 वाला थोड़ा सा इससे ऊपर है, लेकिन अगर इसके नीचे वाली रेखा की बात की जाए तो यह 6 डिग्री 4 मिनट ही है, 6 डिग्री 4 मिनट ही है। तो हम अब क्या कहेंगे कि अगर भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार बोला जाएगा द्वीपों को लेकर, तब हम बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच, और द्वीपों को जब छोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री
छः मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक उत्तरी अक्षांश रेखा दे देगा और एक दक्षिणी अक्षांश रेखा दे देगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा आपको जरूर मिलेगा कि आप तो इसको याद किए रहेंगे कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यहाँ तो आप समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ जब आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या देगा कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच है। तो आपको लगेगा कि एक में उत्तरी और एक में दक्षिणी होना ही चाहिए, लेकिन जी नहीं, दोनों यहां उत्तरी होगा, क्योंकि दक्षिणी से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत सीधे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो बातों को समझ गए। तो हम यहां पर लिख देंगे कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। यदि द्वीपों सहित देखेंगे तो द्वीपों सहित हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये तो हो गया अक्षांशीय। अब आइए भारत का देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बारे में बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये रेखाएं देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने का काम करें, तो कोई ना कोई ऐसी रेखा होगी जो इंडिया के बाएं तरफ से क्रॉस करके निकली होगी, और कोई ना कोई ऐसी रेखा होगी जो इंडिया को दाएं तरफ से क्रॉस करके निकली होगी। तो जो बाएं से क्रॉस करके निकली होगी वो भी पूर्वी देशांतर होगी, जो दाएं से क्रॉस करके निकलेगी वही पूर्वी देशांतर रेखाएं होगी, क्योंकि पश्चिमी देशांतर के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही हालात में पूर्वी देशांतर होगा, लेकिन इधर वाला जो पूर्वी देशांतर है इसको हम कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट और इधर वाले का नाम क्या रखेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम कहेंगे कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हैं। तो आप समझ चुके होंगे इन बातों को। तो हम इन टोटली या पूरा ये कहेंगे कि कोई भी अगर पूछे कि आप द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, तो क्या बताएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी इन्हीं अक्षांश और देशांतरों के बीच हमारा देश स्थित है, कौन, भारत। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, ये तो आप समझ गए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से भारत के नीचे से कोई टच करके अक्षांश निकली है और जिस तरह से भारत के ऊपर से कोई टच करके अक्षांश निकली है, जैसा हम बता ही दिए हैं 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट, कोई ना कोई ऐसे भी तो अक्षांश होगी जो भारत के बीचों बीच से गुजरेगी ना। तो जो भारत के बीचों बीच से अक्षांश गुजरती है उस अक्षांश रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री और उसका एक नाम रखा गया है, कौन सा नाम, कर्क रेखा। और इस क्वेश्चन के बारे में आप हमेशा सुनते होंगे कि कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, और मुझे बताइए कि जब ये बीचों बीच से होकर गुजरेगी तो निश्चित है कि कुछ राज्यों से होकर गुजरेगी। अब यह पूछता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जिसका वैल्यू कितना मैंने बताया 23.5 डिग्री और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका मतलब हमको 8 याद करना पड़ेगा, और 8 को याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। और इस ट्रिक से देखिए आपका क्या क्या बना, मी से बन गया मिजोरम, मी से बना मिजोरम, त्र से बन गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ग से हुआ गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, इसको हम MP यहाँ लिख दे रहे हैं, छ से आपका हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झार से सीधे लिखेंगे झारखंड,
झार से लिख देंगे, झारखंड जो कभी बिहार से ही अलग हुआ था। तो ये वो आठ राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरी है। अब कोई पूछेगा कि कर्क रेखा कैसी रेखा है, तो हम सीधे क्या बताएंगे उसको कि कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह से ये अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरा जिसको हमने नाम दिया कर्क, उसी तरह से कोई देशांतर भी तो ऐसा होगा जो भारत के बीचों बीच से गुजरा होगा इस प्रकार से। तो जो देशांतर भारत के बीचों बीच से गुजरा है उसका वैल्यू है कितना, तो उसका वैल्यू है 82.5 डिग्री, जिसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, और इंग्लिश में इसे ही कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे भारत के समय को ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, यह कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन ये किस राज्य से होकर गुजरती है इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। बट एक क्वेश्चन जो काफ़ी अधिक पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जिसको हम कह सकते हैं IST, भारत के नैनी से होकर गुजरती है। नैनी कहाँ पर है, तो नैनी इलाहाबाद के पास है। तो ये नैनी के पास से होकर गुजरती है, और इसी रेखा से हम भारत के समय की तुलना करते हैं किस रेखा के साथ, तो ये प्रधान देशांतर रेखा अर्थात GMT के साथ। तो ये आपको मुझे लगता है कि स्थिति वाले चैप्टर से जो भी पार्ट बताए मैंने वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की सीमा के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कौन सा देश किस देश को छू रहा है, भारत में किस राज्य की स्थिति कैसी है। और ये जो डाटा हम आपको देने वाले हैं वो बिल्कुल 31 अक्टूबर 2019 के बाद, यानी जम्मू कश्मीर के विभाजन होने के बाद। तो लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, लेटेस्ट आंकड़ा जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।